नमस्कार, मेरा नाम मनु कुमारी है। मेरे गांव का नाम जानबी है। पोस्ट ऑफिस ताल सुशील बजिला हमीरपुर और मैं हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हूँ तथा मैं किसान संघ से जुड़ी हुई हूँ और मैं किसान संघ में महिला पशु प्रमुख में कार्यरत हूँ। तो मैं किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपको अपनी अरबी बता रही हूँ कि हमारी अरबी किस तरह से हुई है। हमने पीछे मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि हमने कैसे कैसे बीजी है और अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी अरबी किस तरह से हुई है। तो आओ मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये हमारी अरबी है। हमने यहाँ पर गोबर फेंका हुआ था और अब हमने इसकी गुडाई करी। ये देखो, ये इसके पत्ते हो गए हैं। आपको पता होगा इन पत्तों से पकौड़े भी बनते हैं, फिर पहाड़ी भाषा में इनको पतोड़े भी बोलते हैं। आजकल तो बरसात के टाइम में तो हर घर में बनते हैं और सभी खाते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है कि अरबी की कितनी सब्जी भी कितनी टेस्टी होती है और इसके इन पत्तों के जो ये पत्ते हैं, ये देखो इसके पत्ते हैं, इन पत्तों के पत्तों में जैसे बेसन या मक्की का आटा होता है उसका लेप करते हैं, फिर इससे वो बनाते हैं। आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, बहुत स्वाद होते हैं। और ये देखो, ये बनाई है हमने, ये हमारी अरबी। इस तरह से हमारी अरबी अभी तैयार हो रही है। पत्ते तो हो गए हैं ऊपर इसको, ये देखो इसके पत्ते। ये देखो किसान भाइयों और बहनों, ये हमारी अरबी है। और ये देखो, अब मैं इसकी ये कर रही हूँ, गुदाई कर रही हूँ। ऐसे ऐसे पत्ते हैं इनके, इस तरह से इसके जो जड़ें होती हैं उनको मिट्टी देते हैं ऊंची ऊंची करके, ताकि ये ज्यादा फैल जाए नीचे से। इस तरह से करते हैं, ये ज्यादा फैल जाए। जैसे ये ज्यादा फैलेंगे तो इसके अंदर बीज जो होंगे और ज्यादा होंगे। हमने गोबर फेंका था यहाँ पे ना, ताजा गोबर पशुओं का जो होता है, फिर इसकी अब गुडाई करी हमने। मतलब मार्केट में भी बेचते हैं इनको और क्या बोलते हैं, अपने यूज भी करते हैं, मार्केट पे भी बेचते हैं, खाने के लिए भी बहुत अच्छे इसके परौंठे भी बनते हैं। और इसी के साथ मैंने बताया आपको कि इस तरह से हमने अरबी तैयार करते हैं। हम पत्ते भी इसके हो गए हैं। धन्यवाद।